बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब्दुल रहमान यासीन आपसे मुखातिब हूँ। बात करेंगे फोर्स मैरिज के बारे में, जबरन शादी के बारे में, किसी की परमिशन के बगैर उसे शादी करना, इसके बारे में आईन और कानून क्या राय रखते हैं, कानून की क्या मंशा है, इस्लामिक लॉ इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स मैरिज क्या है। फोर्स मैरिज को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो इस्लामिक लॉ ने, इस्लाम ने जो एक प्यूबर्टी की, एक मेजोरिटी की जो एज मुकर्रर की है वो क्या है। एक लड़की के लिए जो उम्र है वो 16 साल होनी चाहिए। 16 साल या 16 साल से ऊपर हो तो वो बालिग कंसीडर की जाएगी। एक मर्द, एक लड़का 18 या 18 से ऊपर होगा तो वो एक मेजर या एक जो है ना वो एक बालिग कंसीडर किया जाएगा। अगर तो ये 16 या 18 से नीचे मामला आता है तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर इसे ऊपर कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ उसको प्रपोजल भेजता है शादी का, वो शादी के लिए एग्री नहीं होती या उससे वो जबरन शादी करता है उसकी परमिशन के बगैर, कंसेंट के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी राय या उसकी मंशा के बगैर उसे शादी करता है जबरन, एक कंडीशन। कंडीशन नंबर टू, उसके पेरेंट्स एग्री है शादी करने के लिए उस बच्ची की, लड़का भी एग्री है लेकिन वो जो बच्ची है वो एग्री नहीं है शादी करने के लिए, इस सूरत में भी वो शादी कंसिडर नहीं होगी। इस सूरत में जो इस्लामिक लॉ की जो राय है, इस्लामिक लॉ कहता है कि ये शादी फोर्स मैरिज कहलाई जाएगी, ये जबरन जना भी जबर कहलाया जाएगा, ये शादी कंसीडर नहीं की जाएगी। ऐसी सूरत में ये जिसमें गार्डियंस भी एग्री हैं शादी करवाने के लिए, तो गार्डियंस के ऊपर भी, इनके पेरेंट्स के ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब आइन ताज़ा पाकिस्तान की सजा से क्या सुनाता है, कोई भी शख्स किसी लड़की के साथ उसके कंसेंट के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर उसे शादी करता है तो ऐसी सूरत में ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 498(b) के तहत कम अज़ कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 3 से 7 के दरमियान सज़ा सुनाई जा सकती है, और साथ इसके 5 लाख जुर्माना अदा करना होगा सज़ा के साथ साथ। और अगर जुर्माना अदा नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत में आपकी जो जेल है, आपकी जो सज़ा है वो मज़ीद इसको बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा ये जुर्म करने से पहले 7 दफ़ा सोचिए, वरना आपको 7 साल सलाखों के पीछे गुजारना पड़ सकते हैं। आखिर में जो मेरी एडवाइस है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल है कि बच्चियों की परमिशन के बगैर उनकी शादी की जाती है। इस्लाम में फोर्स मैरिज का तसव्वुर ही नहीं है, ये जना बिल जबर कहला जाता है, और बच्चियाँ चूँकि मासूम होती हैं, कानून नहीं पता होता, वो गुजारा करती हैं, ये शादी नहीं होती, ये जना बिल जबर होता है। लिहाजा हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेरेंट्स ऐसी गलती ना करें, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, आईन के ख़िलाफ़ है। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। थैंक यू।